ड्रॉप शिपिंग बाई वर्ड जो है ना एक बहुत ही ज्यादा फेमस और वायरल टॉपिक है, जस्ट बिकॉज जितने लोग ने यहाँ पे पैसे कमाए हैं ना उससे ज्यादा भाई पैसे गवाए भी हैं। तो यार नॉट डिमोरलाइजिंग एनीवन, बट चलो आज की हम लोग भी बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है ड्रॉप शिपिंग में, जो कि होता है, अगर आप कुछ और कुछ सोच रहे हो भाई तो नहीं, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आप कहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट्स देख सकते हो, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार स्टे ट्यून्ड फॉर एंड, ताकि मैं आपको वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर सकूं जो कि मैंने आज तक ड्रॉप शिपिंग में सीखा है। एंड साथ में अगर आप चैनल पर नए हो यार तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपका मन है तो। बाकी चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। भाई तो फाइनली ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना ही रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। आई नो आप लोगों को पता है भाई, ठीक है, तब भी एक सिंपल सी भाषा में अल्टीमेटली समझ लेते हैं, जो कि नए हमारे व्यूअर्स अगर कोई देख रहा हो तो मैं समझा देता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या है। भाई ड्रॉप शिपिंग है सिंपल सी भाषा में, एक सेलर है जो कि सामान अपना कुछ बेचना चाह रहा है, एक बायर है जो कि वो सामान खरीदना चाह रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में मीट नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में अपन आते हैं बीच में, अपन क्या करते हैं भाई, अपन बायर के पास जाके बताते हैं यार कि देखो ये सामान है मेरे पास जो कि एक्चुअली में मेरे पास नहीं है, ठीक है, और मैं सेलर से जा करके जो एक्चुअल में सेलर है उनको जा करके पूछता हूँ भाई कि देखो अच्छा ठीक है तुम अपना सामान मेरे को दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, इस बायर के पास डायरेक्टली शिप कर सकते हो, हाँ नहीं, अपने आपस में अपने सेटिंग किया। और उसके बाद अपन क्या करते हैं भाई, सीधा ले करके सामान अपना ड्रॉप शिपिंग चालू कर देता है आदमी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है भाई, अपन सीधा सेलर से लेकर के बायर तक सामान पहुंचा दे रहे विद आर कमीशन, नॉट एज एन एफिलिएट बट एज ए डायरेक्ट, यानी कि सेलर डायरेक्ट, जो कि हम लोग सामने कैसे आते हैं, हम लोग सेलर के तौर पे ही अपन सामने देखते हैं, ठीक है। एफिलिएट में क्या डिफरेंस होता है, एफिलिएट में सेलर सामने होता है, बायर सामने होता है, अपन सीधा दोनों को मिला रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इस केस में अपन बीच में आ रहे हैं सेलर का चेहरा लेकर के एंड ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज ड्रॉप शिपिंग। तो जिन लोगों ने भाई स्किप किया वो पार्ट पीछे वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो अब आगे जानते हैं जो मेन पार्ट है कि भाई अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अपना सोर्स, जो अपना प्रोडक्ट है वो आप कहाँ से देख सकते हो, सोर्स कर सकते हो, बाई कर सकते हो, जो भी आप कह लो भाई, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका प्रोडक्ट होगा ना वही डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे बायर्स तक पहुँच सकते हो, कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है, क्या आप मार्केट में आउट परफॉर्म कर पाओगे, क्या आपके एड्स जो है जो आप चलाओगे, ऑर्गेनिक करना चाहो तो ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप एड्स चलाओगे तो वो कैसे आप आउट परफॉर्म कर पाओगे बाकी सेलर से। तो ये चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट चुनो। तो इसीलिए आज हम लोग जानने वाले हैं आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को चुन सकते हो इंडिया में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ भाई, बाहर की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, US, UK, कैनेडा, मैक्सिको, अगर आप वहाँ पे कहीं करना चाह रहे हो तो भाई किसी और वीडियो में बात करेंगे, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब चलो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि भाई कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भाई जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में अभी फेमस चल रहा है वो है रोबोसो क्लाउड, ठीक है, अगर आप जान रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग के मार्केट में हो पहले से तो आपको बिल्कुल पता होगा रोबोसो के बारे में, क्योंकि रोबोसो आप समझ के चलो कि आप तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है भाई, ठीक है, लेकिन तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा भाई कि रोबोसो के फायदे नुकसान दोनों हैं, जस्ट बिकॉज कि रोबोसो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ग्रोइंग स्टेज पर है, ऐसे तो सारे ही ग्रोइंग स्टेज पर हैं, ठीक है, लेकिन तब भी आप ये कह सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ना मिले जो कि अभी प्रचलन में चल रही होती है मार्केट में, तो आपको उसका रिसर्च कहीं और भी करना पड़ सकता है, लेकिन रोबोसो इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर जर्नी ऑन ड्रॉप शिपिंग, और शॉपिफाई से ये कनेक्टेड है एक्चुअली, तो आप आराम से अपना जो प्लेटफॉर्म है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो अपना अकाउंट शॉपिफाई पर डायरेक्टली, अगर आप शॉपिफाई का अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो, मतलब आपने अगर अपना ड्रॉप शिपिंग का पूरा जर्नी अगर आपने अपने शॉपिफाई पे बनाया हुआ है इन दैट केस, बाकी वू कॉमर्स से अलग अलग प्लेटफॉर्म आप जहाँ से बनाना चाहो बना सकते हो अपनी वेबसाइट ई कॉमर्स की, लेकिन शॉपिफाई पे ये इसका इंटीग्रेशन है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो रोबोसो क्लाउड के अपने अकाउंट को, और साथ में आप अपना शॉपिफाई के साथ काम चला सकते हो आसानी से ताकि आपके ऑर्डर जल्दी प्रोसेस हो पाए। अब सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी फेमस वेबसाइट के बारे में भाई, जो कि है ग्लो रोड,
ठीक है। तो अगर आप ग्लो रोड के बारे में नहीं जान रहे हो भाई, तो जान लो, अब तो जान लो, क्योंकि ये अमेजोन के द्वारा बाय भी हो चुकी है। तो अब ये अमेजोन के अंदर आती है ग्लो रोड, जो कि एक अच्छा है प्लेटफॉर्म, मैं तो मानूंगा भाई। ग्लो रोड से मैंने खरीदे हुए सामान खुद के लिए भी, यानी खुद मैंने पर्सनली भी मंगा के देखे हैं उसके प्रोडक्ट्स, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई कि अकॉर्डिंग टू प्राइस उसका प्रोडक्ट ठीक रहता है। अगर आपको कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है तो 100 रुपये के लायक ही रहेगी, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं ऑफकोर्स, लेकिन हाँ, ग्लो रोड पे, रोबोसा पे आपको थोड़े से प्रोडक्ट्स महंगे मिल सकते हैं इन कंपैरिजन टू योर होलसेल मार्केट। अगर आप इसको डायरेक्टली ऑफलाइन लेने जाओगे तो ऑफकोर्स आपको महंगे पड़ेंगे, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो भाई, तो आपको पता है कि हो सके ऑफलाइन में आपको कुछ सामान आपको सस्ता मिल रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बार उसमें प्रॉफिट्स इंक्लूड हो जाते हैं, शिपिंग इंक्लूड हो जाती हैं, और आपको ग्लो रोड पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको रिटर्नेबल रहते हैं 7 डेज के अंदर, रिफंडेबल, फुल रिफंडेबल रहते हैं। तो उस केसेस में आप अगर आप किसी अपने कस्टमर के लिए डायरेक्टली शिप करवा रहे हो, वो रिटर्न करवाता है, तो उसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन ऑफकोर्स ही बात है, ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हो भाई, तो आपको ये बिल्कुल बिल्कुल ही ध्यान में रखना है कि आपका ये जो रिटर्न्स का जो रेशियो है ना, ये बिल्कुल 30-40% को एक्सीड नहीं करे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि अगर आपसे 10 लोग मंगा रहे हैं तो 8 लोग वापस ही कर दे रहे हैं आपका सामान, तो यार आपका प्रोडक्ट गलत है फिर। इन दैट केस यू हैव सेलेक्टेड अ रॉन्ग प्रोडक्ट फॉर श्योर, ठीक है। तो आपको उस पर अपने प्रोडक्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है बिल्कुल। अब थर्ड नंबर पे आता है भाई आपको और हमारा प्यारा मीशो, जो कि एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। मीशो जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप मीशो के बारे में नहीं जानते हो भाई, तो फिर कुछ नहीं कह सकते अपन, ठीक है। लेकिन मीशो, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो चीप वेबसाइट है, जस्ट बिकॉज की प्रोडक्ट्स वहाँ पे सस्ते, एकदम सस्ते ही मिलते हैं। डायरेक्टली सीधा जो होलसेलर बैठा होता है वही बेच रहा होता है रिटेलर के भाव पे भी, मतलब ऐसी ही जर्नी चल रही है। लेकिन ठीक है, मीशो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसको रीसेल कर सकते हो उसी के प्लेटफॉर्म से, या आप अपने प्लेटफॉर्म पे जा करके भी आप करवा सकते हो, ठीक है। प्रोसेस सिंपल है, ड्रॉप शिपिंग वाला ही है। आप बायर्स को कन्विंस कर लो कि भाई ये सामान है मेरे पास, ये इस प्राइस में आप अपने आप बेच पाओ अगर आप, और उसके बाद सीधा मीशो से आप सप्लाई करवा सकते हो, और उसके केस में आप सीधा COD अवेलेबल है उसमें, आप अपना सिलेक्टेड प्राइस उसमें करवा सकते हो, सीधा बायर से COD पे भी आप उसमें ले सकते हो, तो आपका कमीशन डायरेक्टली आपके पास आ जाता है। प्रोसेस सिंपल है, लेकिन हाँ, मीशो भी एक आपके पास ऑप्शन है अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग में एंटर करना चाह रहे हो तो। अब नेक्स्ट वेबसाइट जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, अगर आप इंडिया में ड्रॉप शिप कर रहे हो तो बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, जस्ट बिकॉज की उतनी प्रचलन में नहीं है, ठीक है। तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वेबसाइट का नाम है DeoDap, ठीक है। बहुत लोग जानते हैं नो डाउट, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं, जो कि मैं आपको बता दूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत कम दाम में मिलते हैं, ठीक है। ये आपको शिप कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स ही बात है, मैं इसमें आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसके शिपिंग पे जाएं, क्योंकि इससे जो भी शिप किया गया वो वापस करना मुश्किल है, जस्ट बिकॉज कि उसके बहुत ही नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, और मतलब सिंपल की भाषा में अगर मैं आपको बता दूं तो यार, ये प्रोडक्ट्स अगर आप उस कंपनी से अपने पास डायरेक्टली मंगा करके उसके बाद शिप रॉकेट या और कोई प्लेटफॉर्म से अगर आप डायरेक्टली शिप करो अपने कस्टमर तक, तो वो शायद आपको ज़्यादा फायदेमंद हो, जस्ट बिकॉज कि उससे आपको कम रिटर्न, या फिर आप पहले ही देख पाओगे हाँ कि क्या है क्या नहीं। अगर आप डायरेक्टली उनसे करवाना चाहो तो करवा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं वो भी मना करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज कि अगर उन केस में अगर उनको कुछ रिटर्न करना हुआ, इन केस अगर आप रिटर्न का ऑप्शन दे रहे हो, तो उनको पहले वीडियो बनानी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की, कि वो डिफेक्टिव कैसे निकला, क्यों निकला, एंड उसके बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप उसको डायरेक्टली अपने पास मंगा के फिर शिप करो, तो फिर एक बहुत ही सही चीज़ है। अगर आप उनको डायरेक्टली शिप करोगे, डायरेक्टली शिप कर रहे हो कस्टमर्स तक, तो भी सही चीज़ है, लेकिन गारंटी मेरे तरफ से नहीं है भाई। आप उनसे पूछ लो, या फिर आप अपना और सर्वे कर सकते हो, रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, जानकारी ले सकते हो, खुद से मंगा करके देख सकते हो कि क्या वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जितना मैं गो थ्रू किया है मैंने उन सबको खुद से मंगा करके, ठीक है, मैं सजेशन नहीं कर दूंगा कि भाई सीधा आप कस्टमर को शिप करो वहाँ से, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट है भाई बाप स्टोर, ठीक है। सबके लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके बारे में मैं बता दूं भाई, मैंने खुद टेस्ट नहीं किया है कभी, तो आई कांट बी श्योर कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ये नामी है, लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसीलिए मैं आज वीडियो में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है भाई, ना मैंने आज तक उनसे सामान मंगाया है, ना ही मेरे को उनका क्वालिटी रिव्यू है, ना ही मेरे को कोई कस्टमर सजेशंस है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली यार, जस्ट बिकॉज की
इस वीडियो में ढंग के पांच मेरे को बताने थे, तो मैंने चार अपने टेस्टेड एंड ट्राइड बताए एंड वन जो कि लोगों ने कहा है कि भाई ये सही है। ऑफ कोर्स अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसको भी ट्राई करूंगा अपने पैसों पे, अपने से ट्राई करके आपके लिए रिव्यू करूंगा कि क्या ये आगे ड्रॉप शिपिंग के लिए सही रहेगा कि नहीं। वो आपको कमेंट करके बताना है भाई कि मेरे को करना चाहिए या नहीं। बाकी तो सिंपल नॉर्म्स हैं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अच्छी लगे, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो बिल्कुल ही कर लो। और बाकी अगर पसंद आई हो तुक्के से भी ठीक है तो यार लाइक ज़रूर कर देना। बाकी कमेंट करके बताओ और कैसी वीडियोस देखना चाह रहे हो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर या फिर और कोई कॉन्सेप्ट या कुछ भी टर्म्स के ऊपर, ठीक है। आई विल डिस्कस दैट फर्दर इन द कमेंट सेक्शन ओनली। तो फिर यार इसी पे वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।